हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर. सो लेट्स कंटिन्यू क्लास 12th, चैप्टर नंबर 9th, एंजाइम्स. ओके, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9th. लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स टुडे. ओके, सो इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स व्हाट हैपन, द क्लासिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस. एज वी नो कि किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में हम जाएंगे, क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम बहुत सारी चीजों को बहुत ही एक सिस्टमेटिक मैनर में और बहुत फटाफट उनको स्टडी कर सके. तो देखिए, क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट दिया था वो दिया था ड्यू क्लॉज ने. ओके, ड्यू क्लॉज ने कहा था कि जब भी हम किसी एंजाइम को जिसपे वो, जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करता है, अगर हम उस सबस्ट्रेट के पीछे ASC लगा दें तो हम एंजाइम को एक प्रॉपर नेम दे सकते हैं. इज दैट क्लियर? इसी में देखिए जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि एक तो हम एंजाइम को किस बेसिस पे नेम दें, जिस सब्सट्रेट पे वो एक्ट करता है. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माल्टोज है, ओके, या आप कहें सुक्रोज है, तो ये सब्सट्रेट है और इन पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम क्या नेम दे सकते हैं? हम दे सकते हैं माल्टेज, ओके, और इसको सुक्रेज. तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ASC लगा के हमने क्या किया, एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया. यानी जब भी हम माल्टेज एंजाइम की बात करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हाँ, ये जिस सब्सट्रेट पे एक्ट करता है उसका नाम है माल्टोज. इज दैट क्लियर? और सुक्रेज जिस सब्सट्रेट पे एक्ट करता है उसका नाम है सुक्रोज. ओके, जो सेकेंड चीज हमारे सामने एक तो ये आई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विच दे कैटेलाइज, कि एंजाइम किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं. तो इसमें देखिए बात आई थी, मान लीजिए कोई एंजाइम है, ओके, वो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस को कोच करता है, डीहाइड्रोजिनेशन, ओके, तो हमने उस एंजाइम का नाम क्या रखा, हमने रख दिया डीहाइड्रोजिनेज. ओके, इसके अलावा जो अगली चीज है, मान लीजिए कोई भी एंजाइम है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस, ओके, तो हमने एंजाइम को क्या नाम दे दिया, हाइड्रो लेज. ओके, तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि देखिए ड्यू क्लॉज ने कहा था कि किसी भी एंजाइम को अगर हम उसके सब्सट्रेट के पीछे ASC लगा दे सफिक्स, तो उससे क्या होगा कि उस एंजाइम का एक प्रॉपर नेम हम डिसाइड कर सकते हैं. दूसरी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट दे एक्ट, जिस सब्सट्रेट के ऊपर वो एक्ट करते हैं उसके पीछे अगर हम ASC एड कर दें तो वो एंजाइम का एक नेम डिपिक्ट हो सकता है. थर्ड चीज थिंग थी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन वो कैटेलाइज करते हैं. इसके अलावा हमारे पास ये एक और है कि अगर हम दोनों चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, इससे क्या है कि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जैसे एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ओके, तो देखिए बेटा इससे क्लियरली आपको पता लग रहा है कि एल ग्लूटामेट है या ग्लूटामिक एसिड है वो तो क्या हो गया, सब्सट्रेट हो गया, इसलिए, और डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन इसको कैटालाइज कर रहा है. तो यानी जो एंजाइम का फुल नेम है वो क्या हो गया, एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज. और यही सेम थिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने भी कही थी कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंजाइम के नेम में ऐड कर सकते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि भाई वो कौन से सब्सट्रेट पे एक्ट करता है, ओके, कौन से सब्सट्रेट पे एक्ट करता है, वो कौन सी रिएक्शंस को कैटालाइज करता है. इज दैट क्लियर? तो इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा देखिए ICBM ने एक रिकमेंडेड नेम्स भी दिए. क्या दिए? रिकमेंडेड नेम्स. अब ये रिकमेंडेड नेम्स क्या होते हैं? तो देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके नेम बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और बहुत लेंथी होते हैं. क्या होते हैं? बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं, बहुत लेंथी भी होते हैं. तो ऐसे में उनको रिमाइंड करना इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, ओके, काफी आप कह सकते हो उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में ICBM ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम उसको एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड करें, ठीक है, एक छोटा नेम दे दें जिससे कि वो नेम इजीली लर्न हो जाए. तो दोज नेम्स आर नोन एज रिकमेंडेड नेम्स, ओके, अंडरस्टैंड? तो इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा वी डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेड नेम्स, कि वो नेम्स क्या होते हैं. कई बार एंजाइम्स के नेम काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेंथी होते हैं, तो उन नेम्स को शॉर्ट कर किया जाता है रिकमेंडेड नेम्स में, ओके, उनको एक शॉर्ट नेम दे दिया जाता है. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि IUBC ने क्या मतलब क्लासिफिकेशन दिया एंजाइम का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो इसने मेजर 6 कैटेगरीज में एंजाइम्स को डिवाइड किया है. इज दैट क्लियर?
और वो हमें डिस्कस करनी है अभी। देखिए इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, सेकंड है ट्रांसफरेजेस, थर्ड है हाइड्रोलाइजेस, फोर्थ है लाइजेस, फिफ्थ है आइसोमरेजेस एंड सिक्स्थ है लाइगेजेस एंजाइम्स। ओके तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि बेटा नाम से पता लग रहा है कि किस टाइप की रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले टाइप्स है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, यानी ऑक्सीडेशन में आप क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर। और रिडक्शन में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, क्लियर है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के जितनी भी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, ओके, या जो उसको स्पीड अप करते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को, उन एंजाइम्स को हमने ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में रखा है। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओके, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेजेस, ये इसके कुछ एंजाइम्स हैं। सेकेंड हमारे जो क्लास है वो है ट्रांसफरेजेस। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रांसफर यानी ये क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एमिनो ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप को ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इज दैट क्लियर, फ्रॉम वन सब्सट्रेट टू अनदर। तो ये नाम हो गया ट्रांसफरेजेस। इसमें देखिए जैसे है ट्रांस अमीनेज, यानी नाम से पता लग रहा है कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, अमीनो एसिड्स को, इज दैट क्लियर। तो ये इसमें जो भी एंजाइम्स हैं ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं उनको हमने ट्रांसफरेजेस कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजेस, इज दैट क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइजेस में आपको साफ पता लग रहा है कहीं भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, इज इट क्लियर। किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे एस्टरेज है, अमाइलेज है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हैं, ओके, उनको हमने रखा है हाइड्रोलाइसिस में। उसके बाद है लाइजेस, फोर्थ है। लाइजेस में क्या होता है, देखिए इसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम ए सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है वहां से, ओके, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसमें हमने रखा है लाइजेस एंजाइम, जो भी होते हैं रिमूव करना यानी लाइज करना, ब्रेक डाउन करना, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके उस ग्रुप को वहां से रिमूव कर देना, ओके। इसमें जैसे एग्जांपल आता है एडोलेज का। अच्छा फिफ्थ जो हमारे कैटेगरी आती है वो आती है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होते हैं, तो देखिए जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे वही है कि इसमें सब्सट्रेट किसी भी पर्टिकुलर आइसोमरेज में चेंज हो जाता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जो किसी भी एक ग्रुप को दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, तो दोज आर नोन एज आइसोमरेजेस। इसमें आता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। और लास्ट जो हमारे क्लास है दैट इज लाइगेजेस। लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइन करना। देखिए एक लाइगेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ब्रेक डाउन करना, जो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसको तोड़ के और किसी भी ग्रुप को वहां से रिमूव करना। जबकि लाइगेजेस का काम क्या होता है, लाइगेजेस का काम होता है ज्वाइन करना, ठीक है, किसी भी टू ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, इज दैट क्लियर, यानी सिंथेसिस हो रही है। तो जैसे इसमें आ गया सिट्रेट सिंथेटेज पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, यानी यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है, ध्यान रखना है, लाइगेजेस में क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है, और लाइगेजेस में क्या होता है, उसमें रिमूवल होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड का, ठीक है। तो ये मेजर सिक्स कैटेगरीज है IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इसको आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ओके। और इसी ने ये सिक्स मेजर क्लासेस दी हैं एंजाइम्स की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर, एंजाइम हमारा क्लियर है बेटा, कंप्लीट हो गया है, इज दैट क्लियर। सो लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो, गुड बाय।